हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं सुप्रीति एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस सुप्रीति ब्लॉग। तो आप लोग थंबनेल टाइटल देख के समझ चुके होंगे कैसी वीडियो बनने वाली है। दो दिन से मेरी सास की तबीयत बहुत ही ख़राब है। जब भी सास की तबीयत ख़राब होते हैं, कुछ भी नहीं बताते मेरी जी हो रहा है कि वो हो रहा है, उनकी देख के पता चल जाता है जी बीमार है। तो सुबह उठ के भूख नहीं लग रही थी, कुछ खा पी नहीं रही थी, तो दोपहर में कुछ खा पी लिया था तो चक्कर सी आ रही थी और कफ सी रही थी। तो इतनी गर्मी में मैं सोच रहा था कि नहाए आए होंगे इसलिए ठंडे लग रहे, लेकिन बिल्कुल नहीं, बहुत ही ठंडा और बहुत ही कप रही थी, तो इसलिए इनकी बटर लग रही थी। और दो दिन पहले इनकी इंजेक्शन लगी थी, मतलब ऐसे अमर भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हाथ पैर में बचकी नहीं रहता, कुछ काम वगैरह तो कुछ मैं कर नहीं देती क्योंकि इनकी बचकी नहीं है, इसलिए काम वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ दिन भर खाते पीते जितनी है, पहले से तो बहुत ही कम हो गया। चावल तो बिल्कुल नहीं खाए, रोटी एक आध खा लेते, नहीं तो बिल्कुल नहीं खाते। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी इनकी इंजेक्शन, क्योंकि बटर लग गई तो उसमें तो इंजेक्शन डालना पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं लगा रही थी इनकी इंजेक्शन डाल रही थी बटर में। अब मम्मी के इंजेक्शन भी डाल दिया, अब मम्मी सो रही है और इनकी शरीर बहुत ही ख़राब है पहले से, तो इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाता। और मैं बनाई थी आज खाने में, चावल भी बनाई थी और दाल बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मुझे चावल खाने की बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे रोटी बना दे, तो जो बोल रहा था कि मुझे चीला बना दे, मैंने इसलिए चीला बना दी थी। तो ज़्यादा भी नहीं खाते, दो से ज़्यादा नहीं खाते, तो दो चीला खा के इनकी बटर लगा रही थी। तो यहाँ पर मैं उनकी इंजेक्शन डाल रही थी और मम्मी देखो कैसी हालत हो गई, पहले से बहुत ही हालत ख़राब हो गई क्योंकि खाते पीते नहीं है, तो बचकी कहाँ से आएंगे, कुछ भी नहीं खाता है, चावल तो बिल्कुल नहीं खाते, रोज़ फेंकते, अगर रोटी हो जाते तो थोड़ी बहुत खा लेती है। तो यहाँ पर मम्मी सो गए हैं और आरुई आ गई, यहाँ पर आरुई, आरुई के पापा। तो आरुई की बोल रहा था कि मैं होमवर्क कर ले, तो होमवर्क नहीं कर रही थी, वो यहाँ पर खिलौना लेके खेल रही थी। देखो गाइस, खिलौना बच्चे के खिलौना होते बाजार से लेके आते हैं ना, बहुत बहुत सारी बच्चों रहते हैं कि मुझे ये खिलौना दे दो, लेकिन आरुई ऐसा नहीं है, जो इंजेक्शन की ढक्कन वगैरह रहता है वो बोलते हैं कि पापा तुम ढक्कन मत फेंका करो, हम लोग वही से खेलेंगे। तो वही ढक्कन इकट्ठे कर लिया है, तो वही ढक्कन से खेलते रहते हैं दिन भर, और ज़्यादा उदम भी नहीं करते क्योंकि इधर ना कोई किसी के घर नहीं जाता है, तो घर में ही दिन भर का कार्य इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसलिए वही ढक्कन से खेल रही थी। और यहाँ पर मम्मी की बॉटल भी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत और है, तो यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो चुकी है, और मम्मी की अभी सूजी निकाल दूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं सूजी निकाल रही थी और बहुत टाइम लगता है क्योंकि एक डेढ़ घंटा लग जाता है, सीधी हाथ कर कर के हाथ दुखने लगती है, जो बोल रहा था कि मेरी हाथ दुख रही है, तो मैंने बोला उतनी तो दुखता है, थोड़ी बहुत दुखती है। तो यहाँ पर मैंने सूजी निकाल दिया और मम्मी तो दिन भर सोई सोई रहे, मैं पूछ रही थी कि और कुछ हो रहा है, तो जो बोल रहा था कि अभी कुछ नहीं हो रहा। सो गाइज, मम्मी अब तो पहले से बहुत ही अच्छी है, तो आज ले आई थी तरबूज, तो यहाँ पर आरू की पापा तरबूज काट रही थी, और खाना तो मेरी बन चुकी है लेकिन खाना किसी ने नहीं खाया, सुबह मैगी खा लिया था, और यहाँ पर तरबूज काट रहे थे, आज वही खाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अब आशीर्वाद करना कि मेरी साज अच्छी हो जाए। तो आज की वीडियो या तक मैं एंड करूँगी, इसके आगे मैं नहीं बढ़ूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। और यहाँ पर आ रही पापा खा रहे थे तरबूज, तो तरबूज में इतना अच्छा नहीं था, सिर्फ पानी पानी थी, और यहाँ पर वो बीजा होते तो आरुई बीजा नहीं खाता, इसलिए बोल रहा था कि पापा निकाल दो। तो यहाँ पर आ रही पापा खा रही है, और यहाँ पर मम्मी भी खा रही थी, तो मम्मी जी बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा नमक लगा दो। तो मैंने यहाँ पर जा रही थी नमक लेने, तो मैंने नमक ले लिया है और यहाँ पर मैं दे रही थी मम्मी की, तो मम्मी यहाँ पर खा रही थी तरबूज, अज्जे ही बोल रहा था कि अच्छा नहीं है। तो आज की वीडियो या तो आप फिर मिलेंगे दूसरी कोई ब्लॉग लेके, बाय।